एक्शन। क्यों क्यों ये दिल के दरवाजे खोल रहा है? क्यों ये बीती हुई बातों को नए सिरे से उजागर कर रहा है? क्यों ये समंदर की गहराई में डूबे हुए जज्बातों को फिर से आसमान में उड़ाने के ख्वाब देख रहा है? और मैं इसके लफ्जों के जाल में फंसता ही जा रहा हूं। अगर मेरे इरादे इतने ही कमजोर थे तो मैंने ये मुश्किल राह क्यों चुनी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं, बीवी बच्चा और मैं, बहुत ही हंसता खेलता परिवार था हमारा। लेकिन गलती सिर्फ इतनी थी कि एक मुसलमान घर में पैदा हुआ था। कहीं पर भी आतंकी हमला हो जाए तो लोग शक की नजर से देखते थे, ताने मारते थे। हेलो सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। नहीं सर, मैंने भी अभी अभी सुना सर। सर सुनो तो सर। सर हेलो शर्मा जी, आओ ना साथ मिलकर खाना खाते हैं। आपका हो गया ठीक है, सब कुछ सहता रहा। बेइज्जती की घुटन अपने आप में दबोच रखी थी सिर्फ मेरे बीवी और बच्चे के लिए, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन देर रात तक ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी मुझे एक मेल मिला। वो मेल पढ़ते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इन पर जो बीती उसके सामने मेरा दुख दर्द तो कुछ भी नहीं है। तब पहली बार दिल से सांस लेना बंद किया और दिमाग से सांस ले। मुझ पर और मेरे लोगों पर जो बीती उसका बदला लेना था मुझे, इसलिए चल पड़ा मैं इस राह पर, जिहाद की राह पर।